हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पे ना मैं बैंगन लेके आई थी आज, और मेरे को लगा ना पहले सड़ा हुआ है करके, लेकिन यहाँ पे कुछ निशान था, सड़न था। और साथ में केले भी लाई थी, तो बच्चों को ना दूध केला बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली बेटी को, वो दूध और केला ना बहुत अच्छे से खाती है। मैंने कहा चलो कुछ तो खाती है करके, और यहाँ पर बना लिया चाय, तो अब मैं पहले अपनी चाय पी लेती हूँ। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 8 बजे से, और देखिए अब सब्जी लाई थी और बेटा घर वापस आ गया, पूरा टिफिन ऐसे रह गया। अब इसको मैं खिला देती हूँ। उसके रखी थी मैंने, देखिए आलू की सब्ज़ी और पूरी रखी थी, लेकिन एक घर आ चुके क्योंकि इनके क्लासरूम में पानी भर कर इतनी, मतलब क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा वाली बारिश आई थी ना, मतलब नदी नाले होते हैं रोडों में आए हुए हैं, पूरे खेतों में ऐसा होता रास्ता। वही तो इनकी छुट्टी होगी, घर आ चुका है, बेटी नहीं आई हो तो वही आएगी 2:30 बजे। और अभी हम लेट के टीवी देख रहा है, लेकिन मैं उसको भी थोड़ी में कराऊंगी पढ़ाई। मैंने कहा जब तक थोड़ा किचन में काम कर लेती हूँ, फ्रिज अब तक देखो। और आज सच में बहुत 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 भयंकर वाली बारिश आई थी, और नदी तो आप छोड़िए, रास्ते तक आज लग रहा है कि छोटी मोटी नदी होती है वो आ गई रास्तों में ही करके। और अभी देखती हूँ, अभी बनाऊँ रात को बनाऊँ जो भी होगा। ये बैंगन है, हरी हल्की बैंगन, दुकान में भेजते पहाड़ी बैंगन है बोले थे, पता नहीं जो भी है बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं अभी मलाई फेंट रही हूँ, घी बना देती हूँ। तो क्या करना है, बरसात में कहीं जाना वाना है नहीं, तो घर में जितना काम है कर लेती हूँ। वरना मैं मिक्सी के जार में घी नहीं बनाती, बस कुकर और मथनी से ऐसे अच्छे से हाथ से ही बना लेती हूँ घी। तो साथ साथ मैं काम भी करती रहती हूँ, और जब थोड़ा हाथ थक जाता है तो हाथ थकना कम हो जाता है तो फिर मथ लेती हूँ उसको। और यहाँ पे दाल बना दी है, मेरे को लगा गाढ़ी हो जाएगी तो पानी और डाल दिया, लेकिन ना पकने के बाद दाल फिर भी गाढ़ी हो गई थी, तो मतलब लग भी गई थी थोड़ी तले में। कोई बात नहीं, रोटी के साथ ही खानी है तो अपने आप होते, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और गाढ़ी गाढ़ी दाल ही अच्छी लगती है। और देखिए मेरी मलाई ने ऐसा रूप ले लिया है, बस इसमें से मक्खन निकलने ही वाला है। जा रही हूँ, 1:20 हो गया है, मुझे हल्की धूप आने लगी, फिर ये पता नहीं रास्ते में ज़्यादा पानी ना हो रहा हो करके, लेके आते हैं उसको। ठीक है अब जी, कहाँ गया तू? चल धूप आ रही, तो ठीक है लेके आते हैं सुबह का। वैसे पानी हम तो धूप भी बारिश भी दोनों साथ ही है, मैं सुबह के हिसाब से पानी घट गया होगा रास्ते में, जो भी होगा फिर देखते हैं। तो चलते हैं फिर लेने उसको, जाती हूँ यहाँ पर, ये भी जा रहा है। और ये देखिए रास्तों का हाल, कैसे टूट गए रास्ते। और अभी तो इतना कम पानी है ना, अगर कभी दूसरी बारिश हुई ना, आपके साथ दूसरे वाले ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी कि हम लोग कैसे जाते हैं करके स्कूल, बच्चे हम क्या, हम तो चले जाते हैं, स्पेशली बच्चों को ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और अभी रास्ता सुबह दिख नहीं रहा था, अभी तो सारा पानी नाली की तरफ को चला गया, लेकिन अभी ये पानी साफ़ है, लेकिन सुबह के समय तो मटमैला पानी आता ना उस टाइप का था, रास्ते भी नहीं दिख रहे थे जैसे तैसे, तो हम लेकिन फिर भी चले ही गए थे स्कूल को। और ये देखिए बारिश ने कैसे यहाँ पे रोड में गड्ढा कर दिया, और इधर का जो पूरी मिट्टी खिसक के ना नीचे को चली गई है पूरी की पूरी। और हम लोग स्कूल से आ गए, फिर से बारिश होने वाली है। सुबह कैसा लगा रहा है तैरते हुए जाने में? और जो हल्ला तो मुझे जोर से चार बहुत हल्ला गुल्ला करते, देखा चप्पल बहा था आज चप्पल बहा होता नंगे पैर स्कूल जाती है, लेकिन अभी देख रहे हैं कोई नहीं बोल रहा, वो रास्ता सुबह का रास्ता है करके, लेकिन फिर से काले काले बादल आ गए। उससे पहले घर को भागते हैं, तो चलो घर को फटाफट भागो। चलो अभी तो कम हो गया, देखो सुबह तो इतना ज़्यादा हुआ था, और ये सीधे बहाव जाता है नीचे नदी की साइड से। और यहाँ पे देखिए पानी को देखते ही बच्चों ने यहाँ पे ना खेलना शुरू कर दिए थे, तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पानी अच्छा है साफ़ है गंदा है, तो इन्हें तो खेलने से मतलब होता है। तो मैं इनको बोलती हूँ यहाँ पे गंदा पानी है तो फटाफट चलो, यहाँ पे इतनी मिट्टी इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, मतलब पैर डूब ही जा रहे थे मिट्टी में। घर पहुँचते होगी बारिश, देखिए मेरे कैसे, चलो कोई बात नहीं, कल भी होगी बारिश, हो गई हराम, बड़े भयंकर वाला। ठीक है थोड़ा पैर धो लेते हैं ना, पैर बहुत गंदे हो रखे हैं। और यहाँ पे शाम हो गई है, फिर से आ गई हूँ मैं किचन में, तो यहाँ पे चाय बना रही थी, तो बच्चों ने बोला हमको भूख लगी है मैगी बना, तो मैंने बोला मैगी नहीं बनाऊंगी रोज़ रोज़ मैगी या ये पीना इस टाइप का अच्छा नहीं होता है। तो मैं साबुदाने के ना पापड़ लेके आई थी, तो मैंने बोला आज मैं तुम्हारे लिए वही तल देती हूँ, और साथ में चाय हो जाएगी और पापड़। और यहाँ पर बेटे ने केला कट करके रखा हुआ है, इसमें चीनी और दूध मिला के खाएगी वो। और मैं आलू भी लेके आई थी, तो मैंने बोला पहले आलूओं को रख देती हूँ उनके जगह में, वरना ना फिर ऐसे रह जाता है कि अब रखेंगे तब रखेंगे करके। और यहाँ पे पापड़ तलने स्टार्ट कर दिया मैंने, तो बच्चे कहते हम डालेंगे पापड़, वो बच्चे कैसा कहता उछाल के डालते, तो मैंने बोला छोड़ो
तुम कहीं मेरे हाथ मतलब मुँह तुम्हारे ही आ जाएगा मेरे तो क्या करके। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे पापड़ वापड़ तल लिए थे और बहुत टेस्टी है जीरे क्या बोलते हैं साबुदान के पापड़, इसमें जीरा साबुत ही था तो जीरे का इसमें टेस्ट आ रहा था बहुत अच्छा वाला। और वहाँ पे देखिए बेटी ने एक केला और कट करके रख दिया था कटोरे में अपने लिए। उसको ना बहुत अच्छा लगता है कि मतलब वो ना उसको मैं कभी कभी बनाना शेक ऐसे मिक्सी में करके दे देती हूँ, वरना वो ऐसे कट कर लेती है कटोरे में चीनी और दूध डाल के पी लेती है। और यहाँ पे दूध निकाल लिया था फ्रिज में से और सुबह घी बनाया था ना तो डब्बा खाली हो गया मलाई का, तो फिर से इसमें मलाई जमा कर देती हूँ और जब बनेगी फिर से घी बनाऊँगी। घी बनाने में ना मुश्किल तो बहुत आती है लेकिन जब घी बन जाता है उसका खुशी भी बहुत होती है। देखिए मैंने घी बनाया था दोपहरी में और ऐसा बनाया और फ्रिज में रख दिया था तो जम गया अच्छे से। और यहाँ पे मलाई को भी ढक्कन लगा के रख देती हूँ फिर से फ्रिज में। और ये देखिए बेटी के लिए यहाँ पे मैश करके दे रही हूँ। उसको मैं बोल रही थी कि मिक्सी में मतलब ऐसे मिक्सी में क्या बोलते हैं पीस पेस्ट मतलब क्या मैं बनाना शेक बना के दे देती हूँ करके, उसने बोला नहीं मैं ऐसे ही खाऊँगी। और यहाँ पे चीनी डाल दी, दूध थोड़ा सा कितना आता कटोरे में देखिए, इसने इतना ही खा लिया। इसको ना मतलब सच में बहुत पसंद है, ठीक है चलो कुछ तो पसंद है इसको। और बेटे ने बोला आज मैं भी चाय पीऊँगा करके, मैंने बोला ठीक है। और बस आप लोग भी खा लीजिए पापड़ और चाय, यहाँ पे मेरी बन के तैयार हो गई है। इनसे मैंने पहले बोल दिया था आज चाय मत गिराना तो अच्छे से पी लेना करके। और हम लोग आ गए चाय पीने। और पापड़ ना चाय में डुबो के खाना सच में बहुत टेस्टी लगते हैं, मीठा मीठा और नमकीन ना ऐसा करके। मैं इसको बोलती हूँ पंखे में ठंडा होने दे। और बस हम लोग चाय वाय पी रहे थे। तो ठीक है फिर इसी के साथ आज के ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा जरूर बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ध्यान। बाय।